नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं NBC 24। और इस वक्त मैं नवादा के इसवा थाना क्षेत्र के मंझवे ग्राम में है और मंझवे ग्राम में भीषण चोरी हुई है एक जेवर की दुकान में। गुनगुन जेवर दुकान यहां है जिनमें लगभग 19.5 लाख की चोरी हुई है और चोर पीछे से दरवाजे से चढ़ा और दीवार को तोड़ करके दुकान में प्रवेश किया और जेवरात लगभग 19.5 लाख की चोरी किया है। हमारे साथ हैं दुकान के मालिक, दुकान के दुकानदार रवि कुमार जी, इनसे बात करते हैं कि कैसे घटना हुई, इसको कब पता चला, कैसे घटना हुई? पता चला 8 बजे, सुबह में 8 बजे। अच्छा, कैसे आपको कब दुकान खोलने वाला तो उस समय अंदर से लॉक था। उनका तो पीछे से पंडित जी खबर, नीचे से खोल करके गए, ऊपर तो देखे पूरा टूटा हुआ दीवार, गोदरेज टूटा हुआ, सब सामान वहाँ से पा। कितना का लगभग चोरी हुआ है? 20 लाख। इसकी कैमरा वगैरह सब हार्ड डिस्क ले लिया, हार्ड डिस्क ले लिया। 20 लाख के जेवर चोरा चांदी का। बीती रात घटना का। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी जो दुकान के प्रोप्राइटर हैं, और हम आपको दिखाना चाहते हैं, लालपात के भी लोग हैं, इनके इनसे पूछते हैं कब आप लोगों का कैसे पता चला? मॉर्निंग में पता चला, जब दुकान खोलने आए तो अंदर से गेट लॉक था, तो नहीं खुला, तो फिर शटर के जरिए खोले तो पता चला कि पीछे का गेट खुला हुआ है। फिर ऊपर जाकर देखे तो पूरा गोदरेज का लॉकर टूटा हुआ था, फिर ऊपर गए तो दीवार टूटा हुआ था। पुलिस आई वही इन्फॉर्म करने के 2 घंटे बाद आई तुरंत चली आई और तुरंत चली गई। अभी तो कोई किसान है, बात करते हैं कैसे क्या मतलब क्या। रात में दुकान 9 बजे बंद करके गया था, सुबह 8 बजे मालूम हुआ पंडित जी एक बार पीछे में रहते, पंडित जी आके खबर की उनके पीछे निशानी लगा हुआ, जब दुकान खोल रहे हैं देखता अंदर से 9 बजे पीछे फोन किया, देखता चारों का बंदा हाँ, तो थाना कोई फोन लगे, थाना से वो आए, वो होमगार्ड आए, तुरंत निकल गए, अभी तक थाना प्रभारी नहीं है। कितना का लगभग चोरी हुआ? 9.5 से 20 के। अभी तक मैंने किसी की गिरफ्तारी वगैरह नहीं, कुछ नहीं, प्रशासन ही नहीं आया। प्रशासन दरोगा जब बड़ा बाबू बड़ा बाबू खुद नहीं आया तो गिरफ्तारी कहाँ से होगी? गिरफ्तारी नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार। देखिए, लोगों में आक्रोश है कि यहाँ के प्रशासन जो है अभी तक नहीं कोई ठोस कदम उठाए है, मात्र चौकीदार वगैरह को जो भेजे हैं देख कर चले गए और अभी तक ईश्वर थाना के जो थानाध्यक्ष है वो मौके पर नहीं पहुंची है। लोगों में इसको लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है। लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है। नवादा से मैं NBC 24।